गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं लूसेंट वे, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लूसेंट पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लूसेंट पढ़ेंगे, लूसेंट का भाग एक पढ़ेंगे, हिंदुस्तान, मतलब लूसेंट में हिंदुस्तान के बारे में पढ़ेंगे, भारत क्या है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे, भारत मतलब भारत क्या है और भारत कहाँ से कहाँ तक फैला है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। लूसेंट में हम इसमें पूरी लूसेंट ख़त्म कराएंगे और आपको 1 जनवरी से आपको शाम को 6 बजे इसका आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। लूसेंट का डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। लूसेंट में क्या है, लूसेंट भाग एक में क्या है, भारत क्या है, ठीक है। भारत उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। पश्चिम कोई भी देश होता है वो 4 दिशाओं से मिलके बना होता है, ठीक है। कोई भी कंट्री होती है वो 4 दिशाओं से मिलकर बनी होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। भारत उत्तर और पश्चिम और पूर्व पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कितना कितना फैला था। उत्तर में हिमालय से लेके, उत्तर में कहाँ से, उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण के समुद्र तक, किसके, इसको याद करने की ट्रिक है, उत्तर के हिमालय से लेके दक्षिण के समुद्र तक ठीक है उत्तर के सॉरी एक मिनट उत्तर के उत्तर से हिमालय से उत्तर के हिमालय तक, दक्षिण के समुद्र तक, पूरब के अरुणाचल तक, पूरब के अरुणाचल तक, दक्षिण पश्चिम के कहाँ तक, अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान तक फैला हुआ भाग क्या कहलाता है, भारत कहलाता है। भारत क्या कहलाता है, उत्तर के हिमालय से दक्षिण के समुद्र तक, पूरब के अरुणाचल से पश्चिम के अफगानिस्तान तक ठीक है फैला हुआ भाग क्या कहलाता है, भारत कहलाता है, ठीक है। फैला हुआ भाग क्या कहलाता है, भारत कहलाता है। और एक तरीके से इतना याद रखो, उत्तर के हिमालय से दक्षिण के समुद्र तक फैला हुआ भाग क्या कहलाता है, भारत कहलाता है, ठीक है। हिंदुस्तान जिसको पुरानी भाषा में क्या कहा गया, हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान, ठीक है। इसमें हिंदुस्तान किसने का, सबसे पहले हिंदुस्तान किसने का, किस भारत को, अभी भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान किसने का, मुस्लिम लोगों ने सबसे पहले भारत को हिंदुस्तान का क्यों कहा, क्योंकि इनके यहाँ साह को हा पढ़ते हैं, इसलिए इसको हिंदुस्तान कहा गया, ठीक है। साह को हा पढ़ते हैं, ठीक है। और यह हिंदुस्तान कहाँ पे, सिंधु, यह हिंदुस्तान कितने भाग को कहा गया, सिंधु नदी के किनारे, ये किस नदी के किनारे बसा था, सिंधु नदी के किनारे बसे हुए भाग को मुसलमानों ने क्या क्या हिंदुस्तान कहा गया, क्योंकि ये लोग साह को हा पढ़ते थे, ठीक है। इतिहास में कुछ भाग होते हैं, इतिहास में 4 भागों में बांटा गया है। इतिहास में नंबर 1, इतिहास को 4 भागों में बांटा गया, प्राचीन भारत। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, प्राचीन भारत। दूसरा मध्यकालीन भारत, ठीक है, मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन। तीसरा आधुनिक काल, ठीक है। और चौथा कौन सा, विश्व इतिहास,
है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? इतिहास को चार भागों में बांटा गया। प्राचीन भारत, ठीक है, कितना? प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक काल, विश्व इतिहास, ठीक है। इन चार भागों में किसको? इतिहास को बांटा गया। कितने भागों में? चार भागों में। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक काल और विश्व इतिहास, ठीक है। इन चार भागों में किसको? इतिहास को बांटा गया। किसके? हिंदुस्तान के या भारत के इतिहास को बांटा गया, ठीक है। चार कालों में इसके इतिहास को बांटा गया। और इस चार कालों के बारे में किस तरीके से पता चलता है, ठीक है? इन चार कालों के बारे में, ठीक है, इन चार कालों के चार इतिहास को चार भागों में किस तरीके से, किसी ना किसी में कुछ पाया होगा तभी तो बांटा गया, ठीक है। इतिहास को चार बुनियादों पे बांटा गया, ठीक है। किसको? एंशियंट हिस्ट्री को, एंशियंट हिस्ट्री, ऐसे हिस्ट्री को चार भागों में किसके तौर पे बांटा गया? चार भागों में किस तरीके से बांटा? इतिहास के जानने के स्रोत, ठीक है। एंशियंट को किस एंशियंट हिस्ट्री को किस तरीके से जाना जाता है, मतलब इन चार कालों के बारे में एंशियंट हिस्ट्री में किस तरीके से जाना जाता है? चार कालों को एंशियंट हिस्ट्री में इतिहास में जानने का स्रोत, इतिहास के जानने के स्रोतों से, जानने के स्रोत, ठीक है। इतिहास के जानने के स्रोत धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथों द्वारा, ठीक है, धर्म ग्रंथों द्वारा, ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है। और चौथा कौन सा है? विदेशी यात्रा का विवरण, विदेशी यात्रा का विवरण, ठीक है। और पांचवा कौन सा है? पुरातत्व, ठीक है। इन चार तरीकों से किसको? इतिहास को जाना जाता है। किसको? एंशियंट हिस्ट्री को चार तरीकों से जाना जाता है, ठीक है। किसके? इतिहास के जानने के स्रोतों से, ठीक है, धर्म ग्रंथों से, ऐतिहासिक ग्रंथों से, विदेशी यात्रा का विवरण से और पुरातत्व से इतिहास को जाना जा सकता है, ठीक है। इन चार तरीकों से, पांच तरीकों से इतिहास को जाना जा सकता है। किसको? एंशियंट हिस्ट्री को चार तरीकों से जाना जा सकता है, ठीक है। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और लाइक्स और शेयर को कम ना रखें। जितने लोगों को आप जोड़ सकते हैं एंशियंट हिस्ट्री, उतनी ज़्यादा आगे बढ़ेगी, ठीक है। जिन लोगों को एंशियंट हिस्ट्री में दिक्कत होती है, हर चीज़ इसमें बताई जाएगी, कोई भी दिक्कत हो तो आप इस पर मैसेज करके, कमेंट करके बता सकते हैं किस चीज़ में दिक्कत है। आपको इसमें नोट्स भी मिल जाएंगे अगर कोई चीज़ की दिक्कत है, ठीक है। ठीक है, अपन क्या पढ़ते हैं? वेद, वेद के हिसाब से, ठीक है। वेद, इतिहास में जानने के स्रोत किसके द्वारा? अपन पढ़ते हैं धर्म ग्रंथों के द्वारा, ठीक है। धर्म ग्रंथों में इतिहास के बारे में कुछ अच्छाई दिया गया है, ठीक है। इसलिए हम धर्म ग्रंथों के द्वारा इनको पढ़ते हैं, ठीक है। वेद के रचयिता कौन थे? वेद के रचयिता, वेद के रचयिता कौन थे? महर्षि कौन थे? महर्षि कृष्ण, महर्षि कृष्ण द्वापर, वेद व्यास, क्या नाम था इनका? इनका वेद के रचयिता कौन थे? वेद के रचयिता थे महर्षि कृष्ण द्वापर वेद व्यास, ठीक है, जिनको वेद व्यास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ठीक है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ठीक है। उस नहीं, सबसे प्राचीन महर्षि कितने रचयिता कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वापर वेद व्यास, ठीक है। अब वेद कितने प्रकार के होते? वेद चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन से? ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है, और अथर्ववेद,
ठीक है। कितने? यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ठीक है, ये चार वेद होते हैं। ठीक है, और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है इसमें से? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा? ऋग्वेद। वेद कितने प्रकार के होते? चार प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ठीक है, उसके रचयिता कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वापन वेद व्यास इनके रचयिता थे। ये सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, इसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ठीक है, इनके उपवेद भी होंगे। ठीक है, ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, इसका इसका ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। आयुर्वेद इसका सबसे प्राचीन वेद है। किसका? ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद का यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। किसका? यजुर्वेद का कौन सा है? धनुर्वेद। कौन सा उपवेद हैगा? धनुर्वेद। ठीक है, सामवेद का है गंधर्ववेद, गंधर्ववेद। ठीक है, किसका? सामवेद का कौन सा है? गंधर्ववेद। ठीक है, अर्थवेद, अर्थवेद का कौन सा है उपवेद? शिल्पवेद, शिल्पवेद। अब इसमें सबसे प्राचीन ये हो गया। ठीक है, अब इसमें आधुनिक आधुनिक वेद कौन सा हुआ? आधुनिक वेद रहा, या आयुर्वेद को कौन सा कहते हैं? आधुनिक वेद, आधुनिक वेद के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? आयुर्वेद को। आधुनिक वेद के नाम से आयुर्वेद को जाना जाता है। ठीक है, अब वेदों के बारे में उल्लेख करते हैं। ठीक है, सबसे पहला वेद कौन सा लेते हैं? यजुर्वेद सबसे पहला वेद लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और उनको लाइक और शेयर करें, क्योंकि लूसेंट की अगर कक्षा जब भी मिलेगी, जब तो लाइक और शेयर बढ़ेंगे तभी तो लूसेंट की कक्षा मिलेगी। ऐसे थोड़ी ना हर कोई फ्री में लगा रहता है किसी भी काम के लिए। ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जो लोग रह गए उन लोगों को भी बढ़ने का मौका दें। ठीक है, और हम क्या पढ़ रहे हैं? वेद में ऋग्वेद नंबर वन पर पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है? इसमें कुछ इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल। कितने? 10 मंडल, 128 सूक्त, 128 सूक्त। कितने? 10 मंडल हैं, 128 सूक्त हैं, 10,462 मंत्र हैं। नहीं, ऋचाएँ कहते हैं, नहीं ऋचाएँ, ऋचाएँ कहते हैं। ठीक है, पढ़ने वाले को, ठीक है, इसके पढ़ने वाले को, पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? हितोई। इसके पढ़ने वालों कितने? ऋग्वेद में कितने? 10 मंडल, 128 सूत्र हैं। कितने? 10 मंडल, 128 सूक्त हैं, और 10,462, 10,462 इसमें ऋचियाँ हैं। ठीक है, ऋचियाँ इनको 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 कहते हैं, ऋचियाँ उनको कहते हैं जो मतलब इसमें लिखी होती हैं, जैसे मंत्र वगैरह होते वो इनको ऋचियाँ कहते हैं, और इसके पढ़ने वाले को कहते हैं वो तो हो तो इसके पढ़ने वाले को कहा जाता है। ठीक है, और इसमें ही मतलब इस ऋग्वेद में ही किसका? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसका? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसमें उल्लेख है? इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, किसमें उल्लेख है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। कि इसमें कितने? 10 मंडल, 128 सूक्त और 10,462 ऋचियाँ हैं। ठीक है, इसके पढ़ने वालों क्या कहते हैं? हुतोई, हुतोई कहते हैं इसके पढ़ने वाले को। ठीक है, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके तीसरे मंडल जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसके तीसरे मंडल में सूर्यदेव की सावित्री, सूर्य देवता, इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता और सावित्री का क्या है? उल्लेख है। किसके? सूर्य देवता और सावित्री का इसमें उल्लेख है। ठीक है,
इसके आठवें मंडल में, इसके आठवें मंडल में, इसके आठवें मंडल में हस्तलिखी ऋचियां हैं, हस्तलिखित ऋचाएं, जिन्हें खिल कहा गया, जिन्हें क्या कहा गया, खिल कहा गया, ठीक है। इसके नौवें मंडल में, इसके नौवें मंडल में सोम देवता, इसके नौवें मंडल में सोम देवता का क्या है, उल्लेख है, ठीक है। किसके, इसके नौवें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, किसके, ऋग्वेद के नौ। तीसरे मंडल में क्या है, सूर्य देवता सावित्री का उल्लेख है। आठवें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं, खिल, जिन्हें खिल कहा गया, और नौवें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, ठीक है। इसके दसवें मंडल में, इसके दसवें मंडल में, इसके दसवें मंडल में पुरुष सुक्ति, पुरुष सुक्ति का उल्लेख है, किसके, इसके दसवें मंडल में किसका, पुरुष सुक्ति का उल्लेख है, ठीक है। इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें, इसमें कोई वो कुछ लोग भी तो आते होंगे, कौन कौन से इसमें वो आते हैं, इसमें ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मांड, अरे यार ब्रह्मांड नहीं कहते उसको, वो नहीं होता, क्या बोलते जिसको अपन क्या देते वो देते हैं, जो पंडित नहीं होते, ब्राह्मण, ठीक है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सूत का उल्लेख है, ठीक है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सूत क्या होते हैं, इसमें लोग होते हैं, ठीक है, इनका उल्लेख है। इसमें इंद्रदेव, इंद्रदेव का कितनी बार नाम लिया गया, इंद्रदेव का 250, इंद्रदेव के ऊपर 250 ऋचाएं, ठीक है, मतलब इंद्रदेव की सबसे ज्यादा ऋचाएं। इसके बाद अग्निदेव, इनमें महत्वपूर्ण कौन गए, अग्निदेव की 200 बार ऋचाएं, ठीक है, इनके अग्निदेव की 200 ऋचाएं, किसमें, ऋग्वेद में अग्निदेव की 200 ऋचाएं हैं, ठीक है। इसमें आज एक टॉपिक खत्म हो गया, वेद, ठीक है, ठीक है। इसके बारे में आज का खत्म हो गया ये टॉपिक, भाग एक, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्रेंड्स जोड़ोगे तो आपको ज़्यादा ज़्यादा कंटेंट मिलेगा।